वैचारिक मतभेद लंबे समय तक रहे और रहेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका और मेरे काम करने के तरीके में मोटा अंतर है। और एक सरकार में काम करने का मौका दिया और इनके कारण आज जो मेरी स्थिति बनी है स्पीकर या सेंट्रल मिनिस्टर, इसलिए मैं अपनी स्पेस कोलोबेटर की जैसे कर रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर रहा। एक होता है कोलोबेटर, एक होता है पार्टनर। मैं अशोक जी गहलोत के साथ पॉलिटिक्स स्टार्ट की और मैं उनका फॉलोअर था। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। इन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि पीएम मोदी के चेहरे पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अशोक गहलोत। आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए किसे आगे किया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल तो साथ मिलकर चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच देखा जाए तो यहां पर पार्टी हाईकमान कई बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं और इसी बीच यहां पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का बड़ा बयान सामने आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। डॉक्टर सीपी जोशी लंबे वक्त तक चर्चा में बने रहे। जब साल 2022 में 25 सितंबर की रात वो घटनाक्रम होता हुआ नजर आया, जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उस विधायक दल की बैठक में शामिल तक नहीं हुए विधायक, 92 विधायक डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफा देने पहुंच गए, सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए, क्योंकि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर देखना नहीं चाहते थे और उस वक्त सीपी जोशी चर्चा का विषय बन गए। सीपी जोशी 92 विधायकों के इस्तीफे को लेकर चर्चा का विषय बनते हुए नजर आए। उस दौरान यह भी देखा गया कि सचिन पायलट यहां पर लगातार मांग करते हुए नजर आए। सीपी जोशी से सचिन पायलट की मुलाकातें भी होती रहीं, लेकिन उस दौरान यहां पर सीपी जोशी को लेकर यह कहा जाने लगा कि अशोक गहलोत के दबाव में है सीपी जोशी। और अब देखा जाए यहां पर यह भी दावे किए गए हैं कि अशोक गहलोत के साथ उनका बेहतरीन बॉन्ड है, ऐसे में सीपी जोशी को कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी। टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हो रही है और इसी बीच यहां पर सीपी जोशी ने हाल ही में एक कार्यक्रम का वह हिस्सा बने और उस कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। क्या कुछ कहते हैं सुनिए जरा। होते रहते हैं, एक होता है फॉलोअर, एक होता है कोलोबेटर, एक होता है पार्टनर। मैं अशोक जी गहलोत के साथ पॉलिटिक्स स्टार्ट की तब मैं इनका फॉलोअर था। आज मैं अशोक जी गहलोत का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं कोलोबेटर हूँ। समझ में आया आपको? तो अशोक जी दोस्त नहीं हूँ मैं राजनीति में अशोक गहलोत जी के साथ, जो उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया, पार्टी में सरकार में काम करने का मौका दिया और इनके कारण आज जो मेरी स्थिति बनी है स्पीकर या सेंट्रल मिनिस्टर, इसलिए मैं अपनी स्पेस कोलोबेटर की जैसे कर रहा हूँ, मैं फॉलो नहीं कर रहा। इसलिए हमारे और मन के बीच में विचारों का मतभेद है, पर लीडर का जो गुण है जो फॉलोअर, इसमें एक अंतर होता है। फॉलोअर ब्लाइंडली फॉलो करता है नेता की बात को, कोलोबेटर अपनी बात देकर फॉलो करता है। मैं अपनी स्पेस को क्रिएट करके फिर लीडरशिप देता हूँ उनको, इसलिए इतना अंतर। मैं दोस्त नहीं मेरे, मैं लीडर। तब से आज तक अशोक जी गहलोत का मैं स्नेह रहा, संबंध रहा और राजनीति में जो कुछ भी मैं आज जिस जगह पर पहुंचा हूं उनमें उनका बड़ा रोल रहा। मैं 1980 में पहली बार MLA बन के आया था, तब बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर निजाम का, एक ऑडिटोरियम में आया था और एक आज दूसरे ऑडिटोरियम में आया हूँ। इतनी यात्रा मैंने 80 से लगा कर अभी तक अशोक जी गहलोत के साथ ही की है मैंने। मुझे बहुत प्रसन्नता है कहते हुए कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उनका काम करने का तरीका देखा और आज राजस्थान में जो बदलाव हो रहा है इस बदलाव को भी मैंने बहुत नजदीक से देखा है। अशोक जी गहलोत में जो गुण है वो बहुत कम आदमी में होते हैं। मेरे और उनके वैचारिक मतभेद लंबे समय तक रहे और रहेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका और मेरे काम करने के तरीके में मोटा अंतर है। पर एक बात मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूं, तो बहुत कम व्यक्ति में क्षमता होती है कि सबको साथ लेकर चले, विच इज वेरी डिफिकल्ट। और आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस सरकार का जो ये टेन्योर है उस टेन्योर में केवल मात्र
केवल मात्र अपनी सूझबूझ और अपनी राजनीतिक कौशल के कारण कि राजस्थान की सरकार पिछले 5 साल चल पाई का एकमात्र किसी को दिया जा सकता है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष हूँ और ये मुख्यमंत्री हैं, पर मैंने एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में देखा है कि व्यक्ति जब जिम्मेदारी लेना कितना कठिन होता है और जिस मुकाम पर ये पहुंचे हैं उस मुकाम पर किस परिस्थितियों में ये काम कर रहे हैं ये यही जानते हैं और इनका मन नहीं जानता। मुझे पता नहीं कि कैसे इस संघर्ष के समय में सब चीजें करने के बाद भी राजस्थान को आगे बढ़ाने की कल्पना कर। आपने सुना कि किस तरीके से सीपी जोशी ने यहाँ पर अपनी बात रखी और उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अशोक गहलोत की वजह से राजनीतिक दुनिया में उन्हें क्या कुछ मिला है। तो सीपी जोशी यहाँ पर साफ तौर पर बताते हुए नजर आए हैं कि सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ किया है और सीएम अशोक गहलोत की बदौलत वह किस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि सचिन पायलट की विधानसभा चुनाव में क्या कुछ अहम भूमिका देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देख रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।